आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले यात्रियों का इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाला है। खास तौर से साधुओं की बात की जाए, जब ये यहाँ पर आए थे तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से कितना इंतजार, कितना उत्साह जो है इन तमाम साधुओं में था। और अब जिस तरह से कुछ ही दिन रह चुके हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने के लिए, और आपको बता दें कि 28 तारीख को पहला जत्था जो है वो रवाना होगा। तमाम साधुओं को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार जो है वो रहता है। इनसे बातचीत करते हैं, कितना इंतज़ार रहता है अमरनाथ यात्रा के लिए, जिस तरह से जाना है, किस तरह से जाना है, ये भोलेनाथ ही बताएंगे। फिलहाल हम एडवांस में प्रथम जत्था में जाने के लिए तैयार हैं, वृंदावन से। तो कितने, अब कुछ ही दिन रह चुके हैं तो और ज्यादा उत्सुकता हो रही है। कल से रजिस्ट्रेशन होगा, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो 28 तारीख को पहला जत्था जाना है। जी हाँ। आपका नाम? आशीष। कहाँ से आए आप? वृंदावन से। वृंदावन से आए हैं, कृष्ण जी की नगरी से आप भोले बाबा की नगरी में जाना है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत, काफी खुशी हो रही है। काफी खुशी हो रही है। तो अभी इंतजार कुछ ही दिनों का है बस। क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं। कितने सालों से जाते आए हैं? हम तो पिछले साल आए थे यहाँ से जी। अभी दूसरी बार जा रहे हैं। तीसरी बार जा रहे हैं। चलो आपकी यात्रा मंगलमय रहे। आपका नाम? सुरेश आनंद। सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं सबसे पहले? हम वृंदावन से आए जी, तरौली पड़ता है वृंदावन। तो क्या कहना चाहेंगे आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने के, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं? हमको बहुत बड़ी उत्सुकता है और हमको तो ऐसा लग रहा है एक कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, एक एक पल हमें भारी लग रहा है। हम तो दर्शन करने के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं भोले बाबा के। तो यहाँ पर तमाम आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से साधु जो है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। बाबा की नगरी जाने के लिए जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम साधु जो है वो यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और समय व्यतीत करने के साथ साथ इंतजार है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यूपी श्रावस्ती से। कितना इंतजार है आप, पहले इतने दिनों से आप इधर विश्राम करें, इधर इंतजार करें, अब कुछ ही दिन रह चुके हैं। अभी वैष्णो माता का दर्शन करके आ रहा हूँ जी, और बाबा भोलेनाथ की बर्फानी का दर्शन करने जा रहा हूँ जी। ये 25वां दर्शन है मेरा जी, हर साल आता हूँ। कितने सालों से जा रहे हैं? 25 साल से आता हूँ। 25 सालों से यात्रा के लिए जा रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साहित है। एक बार भोले बाबा का जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, बर्फानी की जय, हर हर महादेव की जय। कुछ ही दिन रह चुके हैं, अब जाना है। अब आपने तो कितने, वो कहते हैं ना उत्सुकता होती है जाने की, बहुत खुशी है, आनंद आ रहा है, जाने के लिए तैयार है। तो इंतजार में और मजा आ रहा है और आनंद आ रहा है चकाचक जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सभी देशवासियों के लिए आशीर्वाद लेकर आएंगे? सबके लिए आशीर्वाद लाएंगे, सबको खुशी मंगल लाएंगे, सबकी मनोकामना पूरी हो, हम यही कहेंगे। हमारे महादेव सबकी रक्षा करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब तक इनको यात्रा में जाना है तब तक अपना किस तरह से ये समय व्यतीत कर रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जय बाबा के जय घोष जो है ये लगा रहे हैं, बाबा बर्फानी के इंतजार में जो है यहाँ पर भजन कीर्तन जो है वो करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका समय आएगा, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं और इनकी उत्सुकता जो है वो और ज्यादा बढ़ते जा रही है। जयकारा जो जिस तरह से ये लगा रहे हैं, जय घोष जो है, आप देख पा रहे हैं कि कितने उत्साहित जो है ये नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी की जय घोष के साथ ये अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और पूरा जो आपको बता दें कि ये शिविर है, ये बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज उठा हुआ है। तो इनसे बातचीत करते हैं, जिस तरह से इंतजार है आपको, ये पूरा शिविर जो है बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज रहा है, कितना इंतजार कहेंगे? और हम लोग तो साल भर इंतजार किए इस दिन के लिए, हम लोग थोड़ी दिन और नजदीक आ गया है। चाहता हूँ साधु संत जितना है, महात्मा है, सब एक साथ चले, और जम्मू का जो सुरक्षा बल है वो हम लोगों का साथ दे, यही हम लोगों का विनती है। और दो एक दिन रह गया, बर्फानी सबको एक साथ लग जाए। शिव शिव शंकर जी। आप कहाँ से आए हैं? पश्चिम बंगला से। क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ ही दिन रह चुके, इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, आपको और ज्यादा उत्सुकता बढ़ रही है? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो हम लोग और भी अच्छा लगेगा जी, और अच्छा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, वेस्ट बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। इधर हम लोग एक हफ्ता हो गया रुके हुए, अगले दो एक दिन में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन में आ जाएंगे। तो किस तरह से आशीर्वाद सभी देशवासियों के लेकर आएंगे? देशवासी के तो हम चाहते हैं कि सबको बाबा बर्फानी अच्छा रखे, सबको सुख शांति दे, यही हमारा कामना है। उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है कि एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और। बस हमेशा की तरह यही लग रहा है कि कब यात्रा जल्द से जल्द यहाँ से चल पड़े और महात्माओं का जत्था
अमरनाथ यात्रा की एक शोभा है तो आगे भी जाके उनकी शोभा बढ़ाए। जी तो क्या इंतजार जब करते हैं, क्या कुछ समय व्यतीत करने के लिए, क्या कुछ एक्टिविटीज करते हैं, क्या कुछ आपके द्वारा चलता ही रहता है? बस अपने अपने भजन करते रहते हैं, कोई महाकाल का भजन कर रहा, कोई महादेव का, कोई सभी अपने अपने गुरु गुरु। हिमाचल प्रदेश से आया, होमगार्ड IPH पुलिस सेंटर से। हम तो यही हर साल की तरह यहाँ पे हमें सुरक्षा कर्मचारियों का भी अधिक से अधिक सहयोग मिल रहा है। जम्मू राम मंदिर मानो ऐसा सज गया, एक अयोध्या में राम मंदिर सजाए। सरकार से अनुरोध है कि अधिक से अधिक यहाँ सुविधा उपलब्ध हो और आने वाले यात्रियों को तमाम सुविधा आपको मिल रही है, तमाम सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मुझे भोले बाबा का एक मंत्र हम जप करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मित्रमुखस्यम अमृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मित्रमुखस्यम अमृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मित्रमुखस्यम अमृतात्। बाबा बर्फानी की जय घोष लगाते हुए तमाम साधु साध्वी जो है वो यहाँ पर उपस्थित है और कुछ ही दिनों का इंतजार जिस तरह से रह चुका है तो इनमें कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है। इनका कहना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें इंतजार है कि बहुत जल्द जो है बाबा बर्फानी के लिए दर्शन करें और तमाम देशवासियों के लिए देश आशीर्वाद जो है लेकर आए। अगली बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यंग बाइट्स पर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ, मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।